अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू मेक विक एट होम, और कितने टाइप्स की विक्स होती हैं और कौन सी बेस्ट है विक कैंडल के लिए, क्योंकि समटाइम्स ये इशू आ रहा होता है कि हमारी विक जल नहीं रही, प्रॉब्लम कर रही है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के विक से रिलेटेड होते हैं, देन मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए, आप जब भी विक को चूज़ करें, लाइक कैंडल के लिए विक चूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी कैंडल बने, तो प्लीज़ चूज़ जो है ना आप अच्छी करनी है। अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि थ्री टाइप्स की विक है, आप लोग हमेशा थ्रेड जो है ना वाइट वाला लो। ये तो जो मैंने जो लो दो पड़े हुए हैं, ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, ये कि बिल्कुल ख़राब होते हैं, थर्ड क्लास जो उसे कहते हैं ना विक वो होते हैं। इससे यही वजह होती है कि आपकी विक्स में प्रॉब्लम आ रही होती है। और इस तरह से ले लेने हैं आप लोगों ने टैब्स, ये आप लोगों को ईजीली जहाँ से कैंडल मेकिंग का मटीरियल मिल रहा होता है वहाँ से आप लोगों को इजीली ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी ऐड कर दूंगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती जाऊँ कि आप लोगों ने जब भी विक का इंतखाब करना है, अच्छी लेनी है विक, तो इससे विक से जो है ना, जब समटाइम्स मुझसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि हमारी विक जल नहीं रही, विक्स में प्रॉब्लम है, विक में जो है ना काफी ज्यादा इशूज आ रहे हैं, तो यही वजह होती है कि आप लोगों की विक जो है ना सही नहीं होती। विक्स में भी टाइप्स होती है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखाई दे रही है, और भी बहुत ज़्यादा होती हैं टाइप्स जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं। वो तो जो हम जो जार में यूज़ करते हैं वो उस तरह के रोल मिलते हैं, वो भी आप लोग बाय कर सकते हो। नहीं तो आज मैं आप लोगों को घर में ही बनाने का मेथड बताऊंगी कि आप उस तरह की विक आप घर में कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं ये करती जाऊँगी कि जैसे ये वाला विक है, ये आप लोगों को 600 समथिंग के मिलेगा, और इसी तरह से ये वाले जो विक है ये भी आपको मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, 700-800 या मतलब 850 या इस तरह से मिलता है। तो बट आप लोग थोड़ा सा ही मतलब थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लिया करें, क्वालिटी अच्छी बाय कर लिया करें, तो उससे ये होता है कि आपकी जो कैंडल्स हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं, बर्निंग टाइम उसका अच्छा हो जाता है, क्योंकि विक बहुत मैटर करती है। अगर अच्छी विक होगी देन आपकी कैंडल्स की जो हॉट थ्रू जिसे कहते हैं ना, मतलब फ्लेम जिसे कहते हैं, अप फ्लेम होगा, फ्लेम उसका मतलब ज़्यादा होगा, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना विक से मतलब अच्छी हो जाती हैं। जैसे अब ये वाला मैं आपको वाइट वाला दिखा रही हूँ, ये बेस्ट है, बहुत जबरदस्त मैं कहती हूँ। इसको अगर मैं पॉइंट्स दूँ तो 100% 100/100 दूंगी मैं इसको, क्योंकि ये वाली विक आप लोग यूज किया करो। मुझसे समटाइम्स बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि विक हमारी अच्छी नहीं है, या विक में प्रॉब्लम है, धागा जल नहीं रहा, जो भी है, आप लोग ये वाला यूज करोगे आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, आप जब भी कैंडल बना रहे हो तो 1/4 सेंटीमीटर आप लोगों ने कैंडल के विक को कट करना है, ठीक है। उससे भी बहुत ज्यादा जो है ना आपका मतलब फ्लो जिसे कहते हैं ना, फ्लेम जिसे कहते हैं, सॉरी मतलब जो फ्लेम होता है ना, लाइट फ्लेम जिसे कहते हैं, वो भी मतलब ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने जितना आपको मतलब थ्रेड चाहिए, जितनी आपको नीड, जितने आप लोगों ने मतलब विक बनानी है, आप लोग उस विक के मुताबिक उतना कट कर लें। कट करने के बाद अपने आप को मैंने बताना है एक टिप, बहुत जरूरी है, और आपने लाजमी सुनना भी है और देखना भी है कि मैं कर क्या रही हूँ। अब आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम जो है ना लो कर लेना है, लो फ्लेम पे करना, डबल बॉयलर सिस्टम बिल्कुल यूज नहीं करना आपने, यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने ये सोय वैक्स के फ्लिक्स ले लेने हैं, आपके पास सोय चंक्स हैं या सोय वैक्स है, कोई भी मतलब उसमें है आपको, मतलब कोई भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ये दोबारा रीयूज हो सकती है, तो उसमें आप लोगों ने डाल लेना है थ्रेड, आपने जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। मतलब इससे जो होता है ना, ये आपका थ्रेड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और इससे इसके ऊपर जब वैक्स लगती है तो यकीन करें बहुत अच्छी बन जाती है। इससे बहुत अच्छा मतलब आपका फ्लेम, हार्ड थ्रू, सारा कुछ आपका मतलब जो है ना बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक टिप मैं देती जाऊँ आप लोगों को, आप जब ये वाली टिप करोगे तो यकीन करें आपका गंदे से गंदा थ्रेड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने इसमें जो है ना वैक्स में अच्छे से थ्रेड को डुबोना है, अच्छे से इसी तरह से 2 से 3 मिनट्स करना है, इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, निकालने के बाद इसको ड्राई करना है। जब ये खुद से कूल हो जाएगा देन देखिए आपकी विक हो जाएगी हार्ड। जब आपकी विक हार्ड हो जाएगी, इट्स मीन आपकी विक जो है ना चलने में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। देन आपने इसको जो है ना आपने कट कर लेना है जितने साइजेस के आपको विक चाहिए।
अब इस तरह से जो आप है ना, ये आप लोग मोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे ऑर्डर आते हैं मैं इस तरह वाले टाइप्स की, मतलब जो होती है ना, मोल्ड में यूज़ करती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आपने जितने, मतलब जितने साइज़ में आपने कट करनी है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना आपका, आप कप में बना रहे हो, जार में बना रहे हो, आप मतलब बाउल में बना रहे हो, जिस चीज़ में भी आप कैंडल्स बना रहे हो, उतने सेंटीमीटर के हिसाब से आप लोग कट कर सकते हो। अब यहाँ पर टिप नंबर 3 जो दे जाऊंगी आप लोगों को, आप एक ही दफ़ा रोल ले लिया करें और साथ में ये टैप्स ले लिया करें, ठीक है। और आप लोग जो है ना, मतलब जो जार वाली विक्स होती हैं वो आप लोग लेने से बच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आप लेना, ये ले लेना है, मतलब जो है ना, इसको क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, स्क्रू ले लेना है आपने, तो प्लास भी कहते हैं इसको, स्क्रू भी कहते हैं, जो भी इसको कहते हैं, वट एवर, मुझे पता नहीं है, बट मतलब इधर स्क्रू बोलते हैं। तो आपने ये स्क्रू ले लेना है, तो आप इससे जो, इसकी मदद से ना, हाँ हम ना मतलब अपनी थोड़ी सी विक को ना मजबूत करेंगे। मुझे ना इसका कंफर्म आइडिया नहीं था इसका नाम क्या है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। आपने इसी तरह से आपने इसको कट कर लेने हैं, जितने आपको चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, एक ही साइज़ की चाहिए, आपने इसी तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने ये टैब्स लेने हैं, टैब्स के इसके अंदर जो है ना, आपने धागे को इंटर करना है, मतलब विक को इंटर करना है। विक को इंटर करने के बाद स्क्रू के इसके साथ, स्क्रू के साथ इसने इसको जो है ना स्क्रू कर लेना है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा पुश जोर करना है आपने, तो ये इस तरह से मतलब आपका रेडी हो जाएगा और विक आपकी रेडी हो जाएंगी। आप जिस साइज में चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इन डिटेल आपको चीज़ें बताती हूँ, बिगनर्स के लिए भी, एडवांस लेवल के लिए भी, बट आप मुझे वैसे ना रिव्यूज़ आते हैं, ना ही मुझे व्यूज़ आते हैं, और ना ही मुझे सब्सक्राइबर एंड ना ही मुझे लाइक, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ। तो इसी तरह से आपने बाकियों को भी रेडी कर लेना है। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि बहुत से जो बिगनर्स हैं, जो कैंडल मेकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं रियली में, तो वो यहाँ से कुछ लर्न करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूँ, तो आप प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से आप लोग पैक करके आप लोग सेल भी कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग पैक करें और पैक करके सेल भी कर सकते हैं, घर में यूज़ भी कर सकते हैं, कैंडल मेकर वाले यूज़ कर सकते हैं घर में। तो आप लोग जो है ना, इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको विक भी खुद घर पर बनाए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद फैमिली विद फ्रेंड्स, और जो है ना दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या मिक पैक वाले जो खाली बॉक्स होते हैं उसमें कैंडल्स कैसे बनती हैं, या वो होनी चाहिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।